कर्ज में डूबा मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार लेने जा रही है 2000 करोड़ का कर्जा। जी हां, बता दें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पहले ही कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन फिर भी लगातार कर्जा लेती जा रही है। अब एक बार फिर शिवराज सरकार द्वारा 2000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पहले ही काफी कर्जा लिया जा चुका है। पहली बार 25 साल के लिए कर्ज लेने जा रही प्रदेश सरकार। कांग्रेस ने कहा कि बॉन्ड गिरवी रख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 55 दिनों के अंदर करीब 19000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है प्रदेश की भाजपा सरकार। कांग्रेस नेता संगीता शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार ने 18 सालों में कुछ नहीं किया, न महंगाई कम की, न रोजगार दिए, न किसानों की आय दोगुनी की, आखिर करोड़ों रुपए खर्च होता कहां है। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा माह में ही 6000 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है और अब एक बार फिर से कर्जा लेने जा रही है। 14 मार्च को सरकार के खाते में 2000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। यह कर्ज 25 साल के लिए होगा। कर्ज के मामले में प्रदेश सरकार 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। अगले एक वर्ष में सरकार कर्जा लेती रही तो जल्द ही 4 लाख करोड़ के क्लब में पहुंच जाएगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।